माई एल्डर ब्रदर। यह कहानी दो भाइयों की है जिसका नाम निक्की और वलोदया है। वे एक दूसरे से कैसे प्यार करते हैं, कैसे झगड़ते हैं और उसके बाद कैसे वे एक हो जाते हैं, इसी के बारे में ये कहानी है। तो आइए सुनते हैं। निक्की और वलोदया दो भाई हैं। निक्की नामक छोटा भाई यह कहानी सुना रहा है। निक्की वलोदया से केवल एक साल और कुछ महीने ही छोटा था। वे दोनों एक साथ बड़े हुए, पढ़े लिखे और खेले। उनके बीच बड़े छोटे का कभी भी कोई अंतर नहीं था। निक्की लिखता है कि लेकिन उसे इस बात का आभास शुरू हो गया था कि वह आयु, रुचि अथवा योग्यता में किसी भी प्रकार अपने भाई के बराबर नहीं था। निक्की को यह भी प्रतीत हुआ कि वलोदया को स्वयं अपनी श्रेष्ठता का ज्ञान था और उसे इसका गर्व था। निक्की के मन में यह विचार उसके मिथ्याभिमान के कारण आया, जो उसके बड़े भाई के संपर्क में आने पर हर बार उजागर होता था। वह प्रत्येक बात में निक्की से बेहतर था, पढ़ाई में, वाद विवाद में और शिष्टाचार में। इन सभी से निक्की अपने भाई से दूर होता चला गया और निक्की को ऐसी मानसिक पीड़ा होती थी जिसे वह समझ नहीं पाता था। जब वलोदया को पहली बार चुंटदार सूती कमीज उपहार में दिया गया तो निक्की उस प्रकार की कमीज नहीं मिलने पर अप्रसन्न हुआ। निक्की को निश्चित तौर पर यह पता था कि उसे तब अधिक खुशी होती जब वह इस बात के प्रति आश्वस्त होता कि उसका भाई जितनी भी कॉलर चढ़ाता था उसे चिढ़ाने के लिए ऐसा नहीं करता था। निक्की की मानसिक पीड़ा का सबसे बड़ा कारण यह था कि उसके विचार में उसका भाई उसके मन की स्थिति को समझता है लेकिन उसके आगे व्यक्त नहीं करता है, अर्थात छिपा जाता है। लेकिन शायद निक्की की संवेदनशीलता और विश्लेषण करने की इस प्रवृत्ति ने उसे इस बार धोखा दिया था। ऐसा हो सकता था कि वलोदया को वैसा बिल्कुल भी महसूस नहीं होता हो जैसा निक्की को महसूस होता था। वलोदया आवेश में कार्य किया करता था और विभिन्न शौकों में उसकी रुचि केवल अल्प समय के लिए होती थी। वलोदया को अचानक ही चित्रों का शौक पैदा हो जाता था। वह स्वयं चित्रकारी शुरू कर देता था, अपना सारा पैसा उनकी खरीदारी पर खर्च कर देता था और अपने चित्रकला अध्यापक, पिताजी और दादी माँ से इन चीजों को खरीदने के लिए रुपये मांगा करता था। कुछ दिन बाद उसको विभिन्न कलाकृतियों को अपनी मेज पर रखने और उसे सजाने की धुन रहती थी और वह घर के प्रत्येक कमरे से उन चीजों को उठाकर अपनी मेज पर रख लेता था। कभी वह उपन्यास पढ़ने के लिए बेताब हो जाता था। वह इन्हें चोरी छिपे लाता और 24 घंटे पढ़ता था। अपने भाई के शौकों पर विस्मय ना करना निक्की के वश में नहीं था लेकिन उसकी नकल करने में निक्की को गर्व होता था। उसकी अपनी कोई विशेष रुचि नहीं थी और वह उम्र का छोटा तथा शौक चुनने के लिए स्वतंत्र मन स्थिति का भी नहीं था। निक्की को अपने भाई से सर्वाधिक ईर्ष्या उसके प्रसन्नचित बड़प्पन से होती थी जो उनकी लड़ाई के समय सुस्पष्ट रूप से परिलक्षित होता था। हालांकि निक्की को हमेशा महसूस होता था कि उसका भाई अच्छा व्यवहार कर रहा है लेकिन उसका अपना व्यवहार उचित नहीं है। एक बार आभूषणों के लिए वलोदया का शौक अपनी चरम सीमा पर था। निक्की उसकी मेज तक गया और संयोगवश उससे इत्र की एक चमकदार रंगीन छोटी शीशी टूट गई। वलोदया ने उसी पल कमरे में प्रवेश किया और उसने देखा कि उसके छोटे भाई ने उसकी मेज पर विभिन्न कीमती सामानों की सजावट किस प्रकार अस्त व्यस्त कर दी है। उसने निक्की से कहा कि उसकी चीजों को छूने के लिए उससे किसने कहा था और इत्र की शीशी कहाँ है। जब निक्की ने इसका संयोगवश गिरने और टूट जाने के बारे में उसको बताया और पूछा कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है तो वलोदया का उत्तर था कि निक्की उसका पक्ष पोषण करे। जब निक्की ने इसके संयोगवश गिरने और टूट जाने के बारे में उसको बताया और पूछा कि क्या इससे कोई फर्क पड़ता है तो वलोदया का उत्तर था कि निक्की उसका पक्ष पोषण करे और उसकी चीजों को कभी दोबारा छूने की हिम्मत ना करे। फिर बड़े भाई ने टूटी हुई शीशी के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और उदास मन से उसको देखने लगा। लेकिन निक्की को अभी तक कोई पछतावा नहीं था। उसने पलट कर जवाब दिया कि वलोदया उसको हुक्म नहीं दे सकता है और मुस्कुराया। हालांकि
उसे मुस्कुराने जैसी कोई बात महसूस नहीं हो रही थी। वलोदया ने अपने कंधों को झटक दिया, एक ऐसी भंगिमा जो उसने अपने पिताजी से अपनाई थी। उसने यह कहकर अपने विचार जाहिर किए कि यह बात निक्की के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके लिए महत्वपूर्ण थी। उसने निक्की को शीशे तोड़ने वाला अप्रिय छोटा छोकरा कहा और हंसने लगा। निक्की इस संबोधन को चुपचाप सहन नहीं कर सकता था। उसका प्रत्युत्तर था कि अगर वह एक छोटा छोकरा है तो उसका बड़ा भाई बड़ा लेकिन बेवकूफ है। इस पर वलोदया ने निक्की को बताया कि वह उससे लड़ाई नहीं करेगा। निक्की को हल्का सा धक्का देते हुए उसने निक्की से चले जाने के लिए कहा। निक्की ने उससे धक्का ना देने को कहा। वलोदया ने अपनी बात दोहराई और अपने छोटे भाई को जाने के लिए कहा। निक्की अपनी जगह डटा रहा और बोला कि वह अपने बड़े भाई से धक्का ना देने को कह रहा है। वलोदया ने मानो निक्की के शब्दों को दिल में लगा लिया हो, उसने निक्की को मेज से दूर खींचने की कोशिश की, लेकिन तब तक निक्की उसके पास आ चुका था। उसने मेज के पाए को पकड़ लिया और उसे पलट दिया। वलोदया के चीनी मिट्टी और शीशे के सभी पात्र फर्श पर गिर पड़े। वलोदया ने निक्की को घृणित छोटे छोकरे की उपमा दी और रोना शुरू कर दिया। इसी दौरान वह अपने गिरते हुए कीमती सामान को बचाने की कोशिश कर रहा था। निक्की ने सोचा कि उनके बीच सब कुछ समाप्त हो गया है, उनके बीच लड़ाई भलाई के लिए हुई है। निक्की और वलोदया ने शाम तक एक दूसरे से बात नहीं की। निक्की ने खुद को गलत महसूस किया और अपने भाई की ओर देखने की उसकी हिम्मत नहीं हुई और वह पूरे दिन कुछ नहीं कर पाया। दूसरी ओर वलोदया ने अपने पाठों का अच्छी प्रकार से अध्ययन किया और रात्रि भोज के बाद बहनों के साथ बातचीत और हंसी मजाक किया, जैसे कि वह आमतौर पर किया करता था। दोपहर का पाठ समाप्त हो जाने के बाद निक्की कमरे से बाहर निकल आया। अपने भाई के साथ ना रहने के कारण वह अत्यधिक भयभीत, बेचैन और शर्मिंदा था। शाम को इतिहास के पाठ के बाद उसने अपनी अभ्यास पुस्तिका ली और दरवाजे की ओर चल दिया। जब वह वलोदया के पास से गुजरा तो उसके मन में विचार आया कि वह उसके पास जाए और उसके साथ अच्छी तरह बोले, लेकिन ऐसा करने की बजाय उसने नाक भौं चढ़ा ली और एक क्रोध की भंगिमा धारण कर ली। ऐसा होने पर वलोदया ने अपना सिर उठाया और एक अर्थपूर्ण हंसी के साथ निक्की के चेहरे में झांका। उनकी आंखें मिली और निक्की जान गया कि वलोदया उसको पूरी तरह समझता है, लेकिन कोई अदम्य भावना उसे दूर खींच ले गई है। वलोदया ने पीछे से पूरी सहज आवाज में अपने छोटे भाई का नाम लेते हुए उसको आवाज दी और उसकी आवाज में कोई करुणा नहीं थी। उसने निक्की से और नाराज ना होने के लिए कहा और बोला कि अगर उसने निक्की को नाराज किया है तो उसे माफी चाहिए। फिर उसने अपना हाथ बढ़ाया। ऐसी कोई चीज थी जो ऊपर उठ रही थी और प्रतीत हो रहा था कि निक्की की छाती और सांस को बंद किए दे रही है, लेकिन यह सब कुछ एक पल तक ही चला। निक्की की आंखों में आंसू आ गए और उसे बेहतर महसूस होने लगा। हकलाते हुए उसने अपने बड़े भाई से उसे माफ करने के लिए कहा और वलोदया का हाथ दबाया। वलोदया ने अपने छोटे भाई की ओर इस प्रकार देखा मानो उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि निक्की की आंखों में आंसू क्यों है। तो यह थी एक कहानी दो भाइयों की। धन्यवाद।